चारों तरफ नक्सलियों का ठिकाना, बीच में खड़े थे मोदी। एसपीजी ने कहा साहब वापस चलते हैं, तभी कूदा सिंघम आईपीएस। 5 मिनट में बनाया प्लान, पंजाब की देखी तस्वीर और मोदी को निकाला सुरक्षित। एसपीजी कमांडो भी करने लगे सल्यूट। कौन है आईपीएस संजय लाटकर, जिन्हें बहादुरी के लिए मिला मेडल? नाम सुनते ही दुश्मनों को नजर आने लगते हैं यमराज। जब एसपीजी कमांडो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब ये आईपीएस सोचना शुरू करता है। जब एसपीजी कमांडोज मोदी को कहते हैं वापस चलिए, वो मोदी से कहता है सर सिर्फ 5 मिनट दीजिए, आपकी सुरक्षा के लिए जान लगा देंगे, आपको जहां जाना है वहां सुरक्षित पहुंचाकर ही मानेंगे। न सिर्फ पीएम मोदी इस आईपीएस की बात को मानते हैं, बल्कि बाद में पीठ भी थपथपाते हैं। तारीख थी 15 सितंबर 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर रांची एयरपोर्ट पे लैंड करता है, वहां से जमशेदपुर जाना होता है। एयर ट्रैफिक वाले कहते हैं साहब मौसम खराब है, अचानक सड़क मार्ग से जाने का प्लान बनता है, लेकिन रास्ते में चार चार नक्सल प्रभावित जिले पड़ते हैं, जहां से प्रधानमंत्री का काफिला जाता तो सुरक्षित नहीं रहता, कहीं भी सड़क पर कुछ भी रखा हो सकता था। देश के दुश्मनों के लिए ये अच्छा मौका था, इसीलिए एसपीजी मोदी को वापस लौटने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही बात डीजीपी अनुराग गुप्ता तक पहुंचती है, वो तुरंत एडीजी ऑपरेशन संजय लाटकर से सलाह लेते हैं और संजय लाटकर 5 मिनट के भीतर राज्य की खुफिया यूनिट एसटीएफ, एटीएस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ बातचीत कर ऑपरेशन सेफ्टी का प्लान तैयार करते। मोदी की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सेफ्टी, रांची से जमशेदपुर की दूरी करीब 125 किलोमीटर है, इतनी लंबी दूरी के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए आगे आगे झारखंड पुलिस के जवान का काफिला, गाड़ी में एसटीएफ और स्पेशली ट्रेंड कमांडोज, बीच में पैरामिलिट्री फोर्स के घातक कमांडोज, उसके बाद पीएम मोदी का काफिला और आखिर में झारखंड पुलिस के जवानों के साथ काफिला आगे बढ़ता है। रास्ते के बीच में एसपीजी कमांडोज को चिंता सताती है, लेकिन संजय लाटकर का प्लान इतना फुल प्रूफ था कि कोई भी दुश्मन बीच रास्ते में आने की हिमाकत नहीं कर पाता। और मोदी न सिर्फ सुरक्षित जमशेदपुर पहुंचते हैं, बल्कि वहां जाकर ये भी कहते हैं हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था, इसीलिए सड़क मार्ग के जरिए आपसे मिलने आया हूँ। मैं रांची पहुंचा तो मौसम ज्यादा खराब हो गया, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने तय किया कि सड़क के रास्ते ही जमशेदपुर जाऊंगा। मोदी का ये बयान बताता है सिंघम आईपीएस ने कितना फुल प्रूफ प्लान बनाकर उन्हें जमशेदपुर के जनता के बीच पहुंचाया। कौन है आईपीएस संजय लाटकर? साल 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर संजय लाटकर 7 साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। साल 2021 में इनकी झारखंड में वापसी हुई, उससे पहले सीआरपीएफ में आईजी के पद पर तैनात थे। नक्सल विरोधी अभियान और बहादुरी के लिए इन्हें राष्ट्रपति मेडल से भी सम्मानित किया गया। कहते हैं संजय लाटकर के नाम का नक्सलियों में ऐसा खौफ है, वो इनका नाम सुनकर अपना प्लान बदल देते हैं। और इनकी बहादुरी की इकलौती कहानी नहीं है, बल्कि 22 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब गढ़वा में फंसे थे, तब भी जिले के अधिकारियों के साथ मिलकर इन्होंने ऐसा प्लान तैयार किया कि नक्सलियों के पसीने छूट गए। दरअसल गढ़वा में जैसे ही सभा खत्म कर राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ने लगे, पायलट ने कहा साहब पेट्रोल खत्म हो गया। देश के रक्षा मंत्री के हेलीकॉप्टर का तेल बाइक और कार की तरह खत्म हो जाना और ऐन मौके पर इसे बताना सुरक्षा कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। वो सोच रहे थे गढ़वा जो कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, वहां से इन्हें कैसे सुरक्षित वापस निकाला जाए। आनन फानन में रांची से तेल लाने के लिए गाड़ी रवाना होती है, उसके पहले ही राजनाथ सिंह कहते हैं सड़क मार्ग से वापस चलते हैं। उनके सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी कहते हैं नहीं साहब ये संभव नहीं है, पर झारखंड के सिंघम अधिकारी कुछ ही मिनटों में फिर से प्लान बनाकर दोनों मंत्रियों को सड़क मार्ग से न सिर्फ रैली स्थल से बाहर निकालते हैं, बल्कि उन्हें यकीन भी दिलाते हैं कि जब तक संजय लाटकर जैसे अधिकारी है, तब तक न तो राजनाथ सिंह को कुछ होगा, न ही शिवराज सिंह चौहान को और न ही नरेंद्र मोदी तक कोई खतरा पहुंचेगा। हेलीकॉप्टर पीछे पीछे उड़ता हुआ आता है, ऐसे मुश्किल हालात में काम करने वाले अधिकारियों को एक सैल्यूट तो बनता ही है।